हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। तो शुरू करेंगे अब सिलआउट सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जैसे ही हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपको यहां पे क्या मिलता है, एक कुछ ऐसी विंडो मिल जाती है। तो यहां से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं जो सेव्ड हैं, या कोई प्रोजेक्ट ओपन प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली नया करने वाले, तो हम क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। ओके, अभी इसके अंदर हमें प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो मैं डाल देता हूँ क्लास वन, और यहाँ से हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद सेकंड क्या है, इसके इंटरफेस को थोड़ा सा जानेंगे हम और समझेंगे। तो फाइल इंपोर्ट करनी, हमें इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं बेसिकली, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर में। तो सिंपली बेसिक जैसे हर सॉफ्टवेयर रहता है वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंपोर्ट में क्लिक करना है, यहाँ मीडिया मिल जाता है आपको। तो ऑलरेडी मैंने ये फुटेज पहले इंपोर्ट करा हुआ था, इसलिए यहाँ पे अगर आप नहीं किया तो यहाँ सिंपली इसका पाथ ऐसे करें और यहाँ मिल जाएगा, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट ओपन में क्लिक कर दीजिए। ओपन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी फुटेज आ जाएगी। तो एक तरीका हमारे ओपन करने का ये हुआ। अब मैं सेकेंड वेव में जाता हूँ, अगर यहाँ पर आप डबल क्लिक करते हैं ऐसा, तो भी सेम आपको ऑप्शन मिल जाता है ओपन करने का। इसे फुटेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फुटेज को ओपन कर लिया हमने, इंपोर्ट कर ली स्लॉट में। अब हमें होम स्क्रीन पे लेके आना है, क्योंकि इंपोर्ट तो करी, होम स्क्रीन पे नहीं दिख रही। उसके लिए बेस्ट तरीका जो है वही देखेंगे और एक एक स्टेप में जाएंगे। इसको ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आपको ड्रॉप करना है, हाँ, यहाँ पर आपको नेम पूछेगा, सेशन नेम का, सेशन का कुछ नाम दे दो। मैं फिर से इसको क्लास वन दे देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको साइज़ के बारे में पूछेगा, यहाँ फॉर्मेट को आप सेट कर सकते हैं जाके, मैं कस्टम ही रखने वाला हूँ। और यहाँ से इसका कौन से फ्रेम से स्टार्ट हुआ, तो सेशन को हमें थोड़ा सा देखना है, उसके बाद आपको सेशन का नाम देने के बाद ओके कर देना है। जैसे आप सेशन देने के बाद इसको ओके करेंगे, यहाँ पर आपको नोड मिल जाएगा एक, जो कि है हमने ड्रैग किया था, और यहाँ पर एक आउटपुट मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी अभी इसको प्ले करने के लिए। यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आराम से यहाँ पे प्ले हो जाएगा। स्टॉप करने के लिए यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इसको जानेंगे। जैसे मैंने न्यूक में आपको बताया था, यहाँ गेन एंड गामा के जो ऑप्शन मिलते हैं, सेम हमारे सिलआउट में भी यहाँ गेन और गामा के ऑप्शन मिलते हैं। ये ओनली देखने के लिए, तो यहाँ से आप गेन और गामा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर लट का ऑप्शन है, ये यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसको भी हम इतना यूज़ नहीं करेंगे। जो अभी कलर स्पेस की बात है, यहाँ से कुछ कलर स्पेस मिलते हैं, यहाँ से कलर स्पेस जाके हम चेंज कर सकते हैं अलग अलग जाके। ओके, तो बेसिकली अभी हम नॉर्मल रख देते हैं, हमारा क्या था sRGB था वैसा रख लेते हैं। अभी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, अपडेट ड्रैग, अपडेट एंड ड्रैग, अडॉप्ट एंड ड्रैग, रिलीज। तो हमें जो रखना है वो अपडेट एंड ड्रैग ही रखना है, और व्यू आउटपुट की जगह अभी व्यू आउटपुट ही रहेगा। जब रोटो करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। ओके, तो बात हो गई ये हमारे इस पैनल की, थोड़ा सा और देख लेंगे इस पैनल में। यहाँ पे आपको चैनल मिल जाते हैं, रेड चैनल, यहाँ ग्रीन, ब्लू, या टॉप में क्लिक करेंगे वापस RGB चैनल में आ जाएंगे। बात हो गई इसकी, और जैसे ही हम कुछ होता है डबल क्लिक करेंगे, हमें इसकी एक नोड की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं। देखें जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं, आउटपुट की सेम प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। तो ये बात हो गई। तो अभी तो हमने इतनी बात कर ली कि कैसे क्या देखते हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप ये है, अगर हमें नेक्स्ट फ्रेम में जाना है तो क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हैं आप, जेड का यूज कर सकते हैं, एक्स का यूज कर सकते हैं। एक्स का यूज करते हुए आप नेक्स्ट फ्रेम में जा, नेक्स्ट फ्रेम की तरफ जा सकते हैं, और वहीं अगर जेड का यूज करेंगे तो प्रीवियस फ्रेम की ओर जा सकते हैं। सेम वर्क आपका पेज अप एंड पेज डाउन जो बटन होता है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद हमें क्या देखना है, जैसे कि हर सॉफ्टवेयर में, जैसे न्यूक में मैं था, तो हर पर्टिकुलर मुझे एक एक फ्रेम में नहीं जाना है, और मुझे जाना है कि मैं यहाँ मैं पांचवें फ्रेम पे जंप करूँ डायरेक्ट। तो आपको जेड और एक्स का यूज करेंगे। देखिए हर फिफ्थ फ्रेम पे आप ऐसे जंप कर सकते हैं। तो आई वन कर देता हूँ मैं, ये बात यहाँ तक की हो गई। तो बेसिकली हमें रोटो करना है, तो इस क्लास में थोड़ा सा रोटो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रोटो को। बेस्ट वे क्या है, यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ हमारा नोड ग्राफ है, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और नोड ग्राफ के बाजू में टाइमलाइन है।
आप देख पाएंगे, ये हमारी टाइमलाइन है। यहाँ पे फ्रेम्स भी आपको प्ले होते हुए नजर आएंगे जैसा भी है। तो अभी नोड में रहते हैं, तो आपको जो रोटो नोड मिलता है यहाँ पे सिलआउट है, सिलआउट के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे एक रोटो मिलता है, तो इसे पकड़ना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है ऐसे। देखिए अभी कनेक्शन नहीं हुआ, वापस से सेलेक्ट करिए, ऐसे कर दीजिए। तो अभी हमारा यहाँ पे आ गया है रोटो नोड। जैसे रोटो नोड आया तो हमारे एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या आ गई वहाँ पे, अब हमें देखना है कि रोटो नोड लेते ही क्या एक्स्ट्रा आया। एक तो हमारी ऑब्जेक्ट लिस्ट यहाँ पे हमें मिल जाती है, दूसरे यहाँ पे हमें कुछ टूल्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बोला था, यहाँ व्यू आउटपुट है, और मैंने कहा जैसे रोटो नोड लगाएंगे यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो मैं प्रेफर करूँगा आप यहाँ पे कर दें फोरग्राउंड। तो अभी तक हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमने रोटो चालू नहीं किया है। तो एक एक चीज़ समझने वाली है एक्चुअली, बेसिक हम समझ गए तो आगे की चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टेप वाइज स्टेप जाएंगे तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए 15 से 20 मिनट टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पे रोटो नोड के कुछ टूल्स मिल जाते हैं ऐसा, तो इसके ऊपर नॉर्मल माउस को रखेंगे आपको पता चल जाए कौन सा टूल है, ट्रांसफॉर्म, उसके बाद इसका रीशेप, ये सारे नाम जो हैं ये आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली जो हम यूज करते हैं टूल्स में, सबसे बेहतरीन जो और सबसे मैक्सिमम बेजियर का यूज होता है, उसके बाद इन दोनों टूल्स के भी थोड़े बहुत यूज हैं, इतना ज़्यादा यूज नहीं करते इन चीज़ों के। बेसिकली जो यूज है वो बेजियर का यूज है। तो हम आज बेजियर के बारे में ही थोड़ा सा देखेंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिस्ट मिलती है, तो ये शॉट को मैं थोड़ा सा प्ले करता हूँ ऐसे, और इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी सीसी कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ऐसा मैंने बताया था, थोड़ा बेटर दिखेगा। जैसे रोटो शुरुआत करें तो किस चीज़ों का ध्यान रखना है रोटो शुरुआत करते हुए, तो यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे देखो ऐड लेयर का ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट रूल ऐड लेयर में क्लिक करना है आपको। ऐड लेयर में क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा, नॉर्मल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये लेयर है। तो जो काम करना है रोटो ड्रॉ करना है इस लेयर के अंदर हमें ड्रॉ करना है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, तो कोई हम रोटो जो मैं करके दिखाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा कि अभी जो रोटो दिखाऊँगा मैं सोच रहा हूँ कि इस हेड का थोड़ा रोटो किया जाए और वो आपको दिखाया जाए। तो हम लास्ट फ्रेम से चालू करेंगे इसके बारे में, और ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी अभी टूल्स आगे भी बताने वाला हूँ, जो शॉर्टकट्स रहेंगे उनको भी ध्यान देना है हमें। तो यहाँ से मैंने बेजियर को क्लिक किया है, अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है आपको, मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ कि देखने में बेटर हो जाए आपको। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक करता हूँ, अगर रिक्वायरमेंट है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप क्लिक करें ऐसा, मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स, ऐसे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, मैंने ये ऐसा क्लिक कर दिया, अभी देखेंगे ये सारी चीज़ें कॉर्नर है हमारी। ओके, तो मुझे क्या करना है, मैं सारी चीज़ों को ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन कार्डियल का। ओके, जैसे कार्डियल करेंगे तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे स्मूथ मिल जाएंगे आपको, जैसा आप देख पा रहे हैं। सेम प्रोसेस हमें करना है, अगर इसको कॉर्नर करना है तो यहाँ पे कॉर्नर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है जो मोस्टली यूज करने वाले हैं, कार्डियल का यूज करेंगे और यहाँ पे ज़रूरत है आप कॉर्नर का यूज कर सकते हैं। ये बातें हो गई। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट्स अभी ऐड करना है तो आपको ऑल्ट प्रेस करना है और वहाँ पे जाके क्लिक करना है, तो और पॉइंट्स आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये बात हो गई। अगर पर्टिकुलर कोई पॉइंट्स मुझे डिलीट करना है तो कोई उसके लिए नहीं, डिलीट सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए। तो ऐड करने के लिए ऑल्ट के साथ ऐड कर सकते हैं, वैसे डिलीट कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं सारे को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से करता हूँ कार्डियल। कार्डियल करने के बाद फर्स्ट रूल रोटो क्या है, जो फर्स्ट फ्रेम में ड्रॉ करेंगे वहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करना है। तो पॉइंट्स को हम पकड़ते हैं ऐसे, और मैं यहाँ से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूँ जैसा आप देख पाएंगे, ऑलमोस्ट सब सही आता है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ओके, यहाँ से एडजस्ट हो गया, अभी रोटो कर देंगे नेक्स्ट फ्रेम। तो मैंने जैसे बताया था जेड और एक्स का यूज करेंगे नेक्स्ट फ्रेम में जाने के लिए, तो मैं यहाँ से जेड का यूज कर रहा हूँ। जेड का यूज करने के बाद इसमें बेस्ट तरीका क्या है, इसको हमें ऐसे सेलेक्ट करके नहीं छेड़ना है इस पूरे सेट को कि ऐसे सेलेक्ट किया हम छेड़ रहे हैं, नहीं, आपको प्रेस करना है टी। टी प्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन है यहाँ पे, ओके,
ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, बात अब एरो की का यूज कर लेंगे हम थोड़ा सा, एरो की का यूज किया है मैंने यहाँ पे। अब मुझे जैसा कि आप देख पा रहे थोड़े एडजस्टमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे एजेस पे, तो मैं अभी क्या करूँगा, अभी ऑल्ट प्रेस करूँगा। ऑल्ट प्रेस करने के बाद आपको ऐसा मिल जाएगा। ऑल्ट प्रेस करने के बाद देखिए, मैं धीरे से इसको ऐसे कर सकता हूँ। सेम यहाँ पे अगर ज़रूरत है ऑल्ट प्रेस करिए, तो बहुत ज़्यादा इसमें पॉइंट्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसफॉर्म नोड के थ्रू काफ़ी कुछ कर सकते हैं। देखिए दो कीज दी हैं। अभी मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाऊंगा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। एरो का की का यूज करिए आप, ऐसे करके आप नेक्स्ट फ्रेम पे जाना है। देखिए यहाँ के फ्रेम ऑटोमेटिक एडजस्ट होके आ गए हैं बीच के। अगर ये थोड़ी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, मैं इन्हें एडजस्ट कर लूँगा। कितने फ्रेम्स हैं, तो ये चीज़ें एक बार प्रैक्टिस में होनी जरूरी। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ता हूँ मैं, तो मैं फिर से एरो की का यूज करूँगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी। देखिए आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको पीछे फ्रेम में, मैं थोड़ा जाता हूँ यहाँ पे सेंटर में, थोड़ा सा और एडजस्ट कर देंगे। अभी जैसे मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद इतना थोड़ी सी चीज़ें और लग रही, तो ऑल्ट के साथ ही मैं चाहूँगा इसे आप करें, पॉइंट्स को जितना कम हो सके उतना कम छेड़ें। हाँ, ऑल्ट के साथ ऐसा हो गया। अगर कंट्रोल के साथ करना है तो कंट्रोल के साथ भी इस चीज़ को कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी चीज़ें अलग हैं। देखिए कंट्रोल के साथ कैसा हो रहा, सेंटर पॉइंट जहाँ से रखेंगे वहाँ से होगा, तो कंट्रोल का अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, पूरे फ्रेम ड्रॉ करता हूँ स्केप के हाइट के, फिर आगे आपको बताता हूँ कैसे क्या काम करना है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसका मैनुअली रोटो किया है, इस हेड का ये पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आउटपुट हमारा दिख रहा है। तो बेसिकली ये तो कर लिया हमने रोटो, तो अभी एक काम करेंगे हम, इसका आउटपुट देखना चाहते हैं। तो मैंने आपको बोला था यहाँ जो काम करें उसे फोरग्राउंड पे रख के करें। अगर आउटपुट में क्लिक करते हैं, सॉरी, तो मैंने बोला था यहाँ फोरग्राउंड में करें। अगर इसका आउटपुट हमें देखना है तो शिफ्ट ए का यूज करेंगे हम। अगर मैं शिफ्ट ए यहाँ से करता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कलर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए तो इससे आप इसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि ये कितना है, कितना नहीं है और कितना होना चाहिए। तो बेसिकली ये बात हो गई। थोड़ा सा यहाँ पे इसको डाउन भी कर सकता हूँ, मैं रख देता हूँ 20, या मैं कर सकता हूँ 30, सॉरी, यहाँ पे आप कर सकते हैं 30 कर सकते हैं, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप करना है शिफ्ट ए और इसकी क्वालिटी को आप चेक कर सकते हैं। ओके, शिफ्ट ए का यूज करते हुए ऐसे देख सकते हैं और यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, और रोटो को ऑन ऑफ करना चाहें अगर तो जीरो का यूज कर सकते हैं रोटो को ऑन ऑफ करने। यही आपको देखना है, ये कंपोजिट मोड में देखना है। तो मैं 4 प्रेस कर देता हूँ यहाँ से, ऐसा आप देख सकते हैं कि जो कि आपने रोटो किया है उसकी क्वालिटी क्या है, वो कैसा आउटपुट है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मैं वापस से इसे नॉर्मल कर देखना चाहता हूँ मैं, और वापस हमें शिफ्ट ए प्रेस करना है। शिफ्ट ए प्रेस करते ही आपको ऐसा कुछ आउटपुट मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ जो काम करना है वो आउटपुट में ना करके हमें फोरग्राउंड पे काम करना है। काम फोरग्राउंड पे करेंगे। स्केप का रोटो मैंने हाइट का रोटो आपको करके दिखाया, और एक मेक श्योर जब आप काम करें, जैसे कि मैंने अभी काम किया, तो इसका नेमिंग प्रॉपर करें आप। जैसे मैं यहाँ पर डाल दूँगा, सॉरी, हेड डाल दें। अब उसके बाद जैसे कि मैं नेक्स्ट फोटो बना रहा हूँ फेस का, ऐसा कुछ बनाएं, तो इनकी प्रॉपर नेमिंग करते रहें कि कैसे क्या है। तो ऐसे आप नेमिंग करते हुए चले जाएं और ऐसे आप रोटो कर सकते हैं इसका। तो मैं क्या करता हूँ, ये रोटो अभी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो
तो बेसिकली आज आज हमने सीखा, कुछ मैनुअल चीज़ें सीखी हमने, कैसे क्या काम करेंगे, क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास, और कैसे कंपोजिट मोड में देख सकते हैं। एक्चुअली अगर ये शॉर्ट हम इसमें ट्रैक करके करें तो बहुत ही कम टाइम में और अच्छे तरीके से हो सकता है। ये मैनुअली करने में बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो मैनुअली काम तो मोस्टली नहीं करती, ये फर्स्ट क्लास थी, लेकिन इसलिए मैंने आपको मैनुअली बताया। तो एक बार ज़रूर आप मैनुअल ट्राई करें घर पे, और बेसिकली ये काम होने के बाद आप मुझसे पूछेंगे कि ये काम तो हो गया, इसका यूज कैसे करेंगे या न्यूक में कैसे लेके जाएंगे। तो बेस्ट वे क्या है, फाइल में जाएं, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो यहाँ न्यूक में ले जा सकते हैं, न्यूक 9+। यहाँ पे काफ़ी सारे, यहाँ सिक का भी ऑप्शन मिलता है और यहाँ फ्यूजन का भी ऑप्शन मिलता है, तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं अभी, डेस्कटॉप में मैं यहाँ पे ये सेव कर देता हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ से न्यूक ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने न्यूक ओपन कर लिया है। एक काम करेंगे, इसी फुट सेम फुटेज को मैं लेके, सॉरी, इस फुटेज को मैं न्यूक में लेके आ जाता हूँ। ये हमारी फाइल सेव्ड है, तो यहाँ पे लाके ओनली मैं क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। ओके, अभी मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप देखेंगे, यहाँ देखिए, सॉरी, ऐसे देखेंगे तो मैं जो यहाँ से फुल भी कर देता हूँ आपको, ये बड़े प्रॉपर और अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करके सिलाउट से लेके आ सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे काम होता है, तो मैंने आपको दिखा दिया। एक बार यहाँ पे जाऊँगा तो एक बार पूरा ओवरव्यू करेंगे हमने क्या क्या सीखा आज। तो फाइल को इम्पोर्ट कैसे करना है, सेशन कैसे क्रिएट करना है, रूट नोट कैसे लेना है, उसके बाद शेप्स कैसे ड्रॉ करनी है, और बेजियर का यूज कैसे करना है, और यहाँ लेयर कैसे ऐड करनी है, और लेयर के नेमिंग कैसे कैसे करनी है, और प्लस यहाँ पे आउटपुट कैसे, शिफ्ट ए के साथ आप आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे ये कॉम्पोजिट मोड है, आफ्टर जाने के लिए नॉर्मल में यहाँ पे आपको फोरग्राउंड में काम करना है। ओके, और जीरो के थ्रू और रोटो को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आज की क्लास आपको कैसे लगी। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रोटो को ट्रैक कैसे करते हैं, तो ट्रैकिंग के 2-3 क्लासेस रहेंगी, उन्हें कल नेक्स्ट क्लास में हम ट्रैकिंग के बारे में शुरुआत करेंगे। जैसा कि ये रोटो तो काफ़ी टाइम हमें ड्रॉ करने में लगा था, अगर ट्रैक करते तो ये बहुत ही 2 मिनट में हो जाता। तो नेक्स्ट क्लास में हम वही देखने वाले। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, अपना ख्याल रखिए।